हेलो फ्रेंड्स, एमएनबी ग्लास डिजाइनिंग विद प्लॉटर वेबसाइट में आपका स्वागत है। ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जो ग्लास डिजाइनिंग का काम करते हैं। हमारी इस वेबसाइट पर सभी तरह के ग्लास डिजाइन और उनकी सीडीआर फाइल मिलती है, जैसे कि ऑफिस पार्टीशन ग्लास डिजाइन, किचन शटर ग्लास डिजाइन, डोर ग्लास डिजाइन, वॉलड्रॉप ग्लास डिजाइन, मिरर ग्लास डिजाइन, टेबल टॉप ग्लास डिजाइन और भी बहुत तरह के डिज़ाइन और उनकी सीडीआर फाइल इस वेबसाइट पर मिलती है। और हम हर हफ्ते नए डिज़ाइन क्रिएट करके अपनी वेबसाइट पर अपलोड करते रहते हैं। और हमारे ये सभी डिज़ाइन बहुत ही कम नोट्स में बने हुए और स्मूथ होते हैं, और हर एक डिज़ाइन की थिकनेस स्मॉल ना पड़े, किसी भी साइज़ के गिलास में और किसी भी वर्क में हो सके, इसका खासकर ध्यान रखकर सभी डिज़ाइन बनाए गए हैं। हमारी इस वेबसाइट से डिज़ाइन डाउनलोड करके आप बहुत ही आसानी से प्लॉटर मशीन से डिज़ाइन कटिंग करके कोई भी अपना मनचाहा वर्क ग्लास पर कर सकते हैं। अगर आपको हमारी इस वेबसाइट पर दिए गए किसी भी फोटो के जैसा वर्क करना है तो अपने मोबाइल में उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसकी सीडीआर फाइल डाउनलोड कर लीजिए। ये सीडीआर फाइल आपके पास कोई भी सॉफ्टवेयर हो, ऑटोकैड, कोरल ड्रो या कोई भी वर्जन हो, उसमें ओपन हो जाएगी। हमारी इस वेबसाइट पर हर कैटेगरी के डिज़ाइन के हिसाब से उनके प्राइस हैं। तो आइए जानते हैं डिज़ाइन की सीडीआर फाइल अपने मोबाइल में कैसे डाउनलोड करते हैं। डिज़ाइन खरीदने के लिए जो भी कैटेगरी का आपको डिज़ाइन चाहिए उस कैटेगरी को सिलेक्ट कर लीजिए। एग्जाम्पल के लिए किचन शटर को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब किचन शटर के सभी डिज़ाइन खुल जाएंगे। अब इनमें से आपको जो भी डिज़ाइन चाहिए उन सबको आप ऐड टू कार्ट करके सिलेक्ट कर लीजिए। चलिए इसको कर लेते हैं और एक इसको कर लेते हैं। अब आपको यहाँ ऊपर देखिए, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही जो डिज़ाइन सिलेक्ट किए थे वो आपके सामने आ जाएंगे। इसके बाद आपको व्यू कार्ड पे क्लिक कर देना है। अब आपको जो डिज़ाइन चाहिए वो रहने दें और जो नहीं चाहिए उसे माइनस कर दीजिए। एक को माइनस कर देते हैं। अब रिफ्रेश कार्ड पे क्लिक कीजिए। अब देखिए एक ही डिज़ाइन के 49 रुपये दिखा रहा है। इसके बाद चेकआउट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको सबसे पहले ऊपर फर्स्ट नेम डालना है, फिर अपना लास्ट नेम डालना है, उसके बाद अपना फ़ोन नंबर डालना है, फिर अपनी कोई भी ईमेल आईडी डाल दीजिए। इसके बाद आपको एक क्रिएट अकाउंट पासवर्ड डालना है और इसको याद रखना है। इसके बाद नीचे आएंगे तो पेमेंट ऑप्शन दिखाई देगा। इसमें आप पेपल अकाउंट से भी पेमेंट कर सकते हैं। अगर पेपल अकाउंट नहीं है तो ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक कीजिए। इसके बाद प्लेस ऑर्डर पर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने कई तरह के पेमेंट मेथड ओपन हो जाएंगे। अगर आप नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं तो नेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट करनी है तो आप उससे भी पेमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको मोबाइल वॉलेट से पेमेंट करना है तो आप उससे भी पेमेंट कर सकते हैं। मोबाइल वॉलेट से पेमेंट करने के लिए सबसे पहले अदर्स पे क्लिक कीजिए। अदर्स पे क्लिक करते ही आपको सबसे नीचे वॉलेट पे क्लिक करना है। वॉलेट पे क्लिक करते ही आपके सामने सभी तरह के वॉलेट आ जाएंगे। आपके मोबाइल में जो भी हो या आप जो भी यूज़ करते हो आप उससे भी पेमेंट कर सकते हैं। आपको इसमें फ़ोनपे, फ्रीचार्ज, ओला मनी, एयरटेल मनी, ऑक्सीजन वॉलेट, जियो मनी, HDFC बैंक, पेजैप, आप चाहें तो इनमें से भी किसी से पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम डेबिट कार्ड से पेमेंट करके दिखाते हैं। सबसे पहले अपने डेबिट कार्ड का नंबर डालिए, उसके बाद एक्सपायरी डेट और उसके बाद CVV नंबर डालना है। इसके बाद आपका नाम जो बैंक में रजिस्टर्ड है वो डालना है। इसके बाद आपको पे नाउ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके बैंक में जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है उस मोबाइल नंबर पे एक OTP कोड आएगा, वो कोड यहाँ पे डालना है। इसके बाद सबमिट कर देना है। यहीं पे एक नेवर सेव का ऑप्शन आएगा तो आपको सेव कर देना है ताकि आपको डिटेल बार बार न डालनी पड़े। इसके बाद आपकी पेमेंट हो जाएगी। फिर इसी के नीचे एक डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। डाउनलोड पर क्लिक करते ही आप नीचे देखेंगे डाउनलोड फाइल का ऑप्शन आ जाएगा। इस फाइल को आप 3 बार डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपके डिज़ाइन की CDR फाइल आपके मोबाइल की फाइल में पहुंच गई। आपको बार बार आप पूरी डिटेल डालने की ज़रूरत नहीं। CVV नंबर डालते ही आपके मोबाइल पर OTP आएगा। OTP डालते ही, सबमिट करते ही पेमेंट हो जाएगी। किसी वजह से आप हमारी इस वेबसाइट का पासवर्ड भूल जाते हैं तो पासवर्ड नया बनाने के लिए
आपने जो ईमेल आईडी डाली थी वो ईमेल आईडी डालने के बाद लॉस्ट योर पासवर्ड पे क्लिक करें। क्लिक करते ही आपके मोबाइल पर एक ईमेल भेज दिया जाएगा। 10 मिनट के अंदर आपके मोबाइल पर वो ईमेल आ जाएगा। जैसे ही आप ईमेल के अंदर जाएंगे और ईमेल को ओपन करेंगे तो उसके अंदर आपको एक लिंक दिखाई देगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे नया पासवर्ड बनाने का ऑप्शन आ जाएगा। सबसे पहले आप कोई भी नया पासवर्ड डाल दीजिए। इसके बाद ये पासवर्ड आपको नीचे भी दोबारा डालना है। इसके बाद आपको बस सेव कर देना है। सेव करते ही आपका नया पासवर्ड बन जाएगा। अब आप अपनी ईमेल आईडी डालकर और जो आपने नया पासवर्ड बनाया है वो डालकर लॉगिन कर सकते हैं। अगर इस वेबसाइट में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे होम पेज पे दिए गए नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9720725031। थैंक्स फॉर वॉचिंग।